एक पांच है ना खवातीन हजरात, जैसा कि आप जानते हैं, आप आज की ये नशिश्त आप ही लोगों के लिए रखी गई है। हमारे वो गैर मुस्लिम भाई और हमारी वो गैर मुस्लिम माएँ और बहनें जो इस्लाम के बारे में कोई सवालात रखती हों और एतराज़ात रखती हूँ, वो आज कर सकती हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करूँ, मैं चंद उसूल, ज़रूरी उसूल बता देना चाहता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम कामयाब हो सके। सबसे पहले सवाल करने वाला अपना नाम और पेशा बताए, कोई लंबी तकरीर न करे, डायरेक्ट सवाल शुरू कर दे और इसी के साथ साथ सवाल इख्तलाफी न हो, सवाल कोई इख्तलाफी न हो, और अगर कोई नामुनासिब सवाल हुआ तो मैं उसको रद्द करने का, उसको न लेने का मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा। इसी के साथ साथ मैं फिर इंतहाई अदब के साथ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से अर्ज करूँगा, आजिज़ाना और मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी अगर क्यू में कोई गैर मुस्लिम भाई या बहन हो तो मेहरबानी करके आप सवाल न करें। आपके लिए हम हर वक्त IRF का दरवाज़ा खुला रहता है, आप कभी भी सवालात कर सकते हैं। हमारे वहाँ मदनी स्कॉलर से हैं, मदीना यूनिवर्सिटी से फारगीन हजरात हैं जो आपके सवालात के जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा आप लोग हम लोगों से भी बातचीत करते रहते हैं और यहाँ भी बाकायदा उसके लिए ये किया गया है इंतज़ाम। अगर कुछ कोई सवाल हो किसी गैर मुसलमान भाई को, किसी मुसलमान बहन को, तो वो यहाँ इधर आके सवाल कर सकती हैं। लेडीज विंग भी है और इसी के अलावा इसके साथ साथ IRF का नंबर भी आप लेकर IRF में सवाल कर सकते हैं। ठीक है जाकिर भाई, अब मैं अपने उन भाइयों, गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को, इससे पहले कि मैं सवाल करने के लिए दावत दूं, मैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जरूरी बात मुख्तसर अंदाज में पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहले किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिका बिही शैयं व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिनल्लाह फइंतवल्लु फकुलु शहदु बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बि शरहली सदरी ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। محترم شیخ سعود شرین, میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ دیکھنے والے کروڑوں ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर और सवाल जवाब अंग्रेजी में करता हूं, चंद मौके पे कोशिश करता हूं कभी कभी तकरीर या सवाल जवाब उर्दू या हिंदी में करूं, क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है। तो जाहिर है कि इस आज के सवाल जवाब के सेशन में मैं काफी गलतियां करूंगा, इसीलिए सवाल जवाब के सेशन के पहले ही मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे इन गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और मेरे जवाब के पैगाम पे तवज्जो देंगे। चार साल पहले हमसे दरख्वास्त की गई थी कि कम से कम एक दिन, सिर्फ एक पूरा सेशन 3-3.5 घंटे का, कम से कम सिर्फ सवाल जवाब का होना चाहिए। अक्सर हमारी तकरीर 1.5 घंटे की होती, सवाल जवाब 2 घंटे का होता है, फिर भी लोग जब क्यू में खड़े होते कोशिश करने के बावजूद हम उनकी पूरी प्यास न बुझा सकते। तो लगातार 3 साल से, आज ये 5वीं कॉन्फ्रेंस में चौथी बार है कि हम 9वें दिन के आखिरी सेशन को हमने खुसूसन एक खुला सवाल जवाब
کی نشست طے کی. تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے لے, اور وقت اگر باقی ہے تو انشاءاللہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی لیں گے. لیکن پہلا موقع دیجئے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے, ان کی جو بھی غلط فہمی ہے اسلام کے متعلق ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسے دور کریں. پہلا سوال مائک نمبر ایک سے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. میرا نام ہے نانا صاحب شندے, میں بی ایس ٹی میں ورکشاپ دادے ورکشاپ میں کام کرتا ہوں. میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں. بھائی صاحب ذرا واپس سے سوال پوچھ سکیں گے؟ دھیرے سے اور زور سے, تو اونچی آواز میں پوچھے. میرا سوال ہے, تو میرا بچہ 28 برس کا ہے, وہ مچی مند ہے. میرا بچہ خالی کھانا پینا چاہتا ہے, سونا چاہتا ہے, کچھ بھی کام کرتا نہیں. ماں باپ کو غصے سے کچھ بھی بول سکتا ہے, اور میں اس کے لیے بہت علاج کیا پرنتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے میرے کو. میں اس لیے میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں, آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے. میرا بچہ کچھ بھی کام کرتا نہیں, کچھ بھی کام کرتا نہیں, خالی گالی دیتا ہے. تو میرا کیا مقصد ہے؟ دھنیواد. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اس کا بچہ 28 سال کا ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے, صرف سوتے رہتا ہے, گالی دیتا ہے, بات نہیں مانتا ہے, تو میں کیا کروں؟ آپ ان کے والد ہیں, تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھی سے اچھی تعلیم دے اسے. آپ یہ جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ ہیں, آپ کے لیے ایک امتحان ہے, تو آپ اپنے امتحان میں پورے طریقے سے سفلتا پانے کی کوشش کیجئے. آپ کو آپ کا دھرم پورا کرنا چاہیے, آپ کا جو کام ہے, آپ کا جو فرض ہے پورا کیجئے. آپ بچے کی دیکھ بھال کیجئے, اسے اچھے تعلیم دیجئے, اور کوشش کیجئے کہ اس کو اپنے ایشور, اپنے بھگوان, اپنے اللہ کی طرف صرف عبادت کرے, صرف اللہ کی عبادت کرے اور کس کی نہیں. یہ آپ کا فرض ہے. دیکھو کہ اس کے صحیح ایشور, صحیح خالق کے بارے میں اسے کہو, اور اس کے بعد آپ کے محنت کے بعد بھی اگر آپ کا بیٹا اگر نالائق نکلتا ہے, آپ کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے, آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے. ٹیچر بچے کو پڑھاتی ہے, کلاس میں پڑھانے کے باوجود اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو اس میں ٹیچر کی غلطی نہیں ہے. اگر ٹیچر برابر سے نہیں پڑھاتی اور پھر بچہ فیل ہوتا ہے تو غلطی ہے ٹیچر کی. لیکن اگر ٹیچر برابر سے پڑھاتا ہے بچے لوگ کو اور ان میں سے کچھ بچے فیل ہوتے ہیں, تو غلطی ہے اس طالب علم کی, ٹیچر کی نہیں. اسی طریقے سے آپ ان کے والد ہیں, آپ اور آپ کی بیویوں سے صحیح تعلیم دینا چاہیے اس کے ایشور کے بارے میں. کیا ایشور ایک ہے؟ ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور آخری پیغمبر کو ماننا چاہیے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سکھائے. اس کے بعد اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا ہے, آپ اپنا کام کر چکے, آپ پھر اس کے بعد ذمہ دار نہیں رہیں گے. آپ کو پھر بھی اس سے اچھے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے والد ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ سفلتا ملیں گی زندگی میں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایشور آپ کے بچے کو بھی ہدایت دے اور سمجھ دے تاکہ وہ اچھی زندگی بسر کر سکے. Hope that answers the question. جی مائک نمبر دو میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذاکر بھائی. ایکچولی میں پچھلے 2 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہا ہوں. مجھے گھر میں ٹوٹلی بین کر دیا ہے پیس ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے. مجھے پیس ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے, اور میں چھپکے سے آپ کی سیڑھی بھی دیکھتا ہوں اور چھپکے سے نماز بھی پڑھتا ہوں. تو میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرا نام امر دبے ہے,
प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ और वोडाफोन नाम अमर दुबे. अमर दुबे. यस भाई साहब, अमर दुबे सोलापुर से है और कह रहे हैं कि दो साल से पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके. चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा. और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन लगा दी है, फिर भी दो साल से देख के मेरे तकरीर देखने के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स. मानते? यस. yes. आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मामूद नहीं? बेशक. आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है. आप मानते हैं? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स. माशाल्लाह. आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं. आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज में. कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं. क्योंकि जबरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है. लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना मैं ना ये देश आपको रोकती है. yes. क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू प्रीच प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन. मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को ख्वाहिश है कि अपना मन पसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके. तो अगर आप अपनी ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. आप पे कोई भी जबरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब? कोई भी नहीं. इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं. यस. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं शहादा देता हूँ के अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं. और मैं शहादत देता हूँ के मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं. माशाल्लाह मुसलमान हो चुके. और मैं अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे, और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले. मेरी एक रिक्वेस्ट है. जी हाँ. पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो जरिया बना पीस टीवी और आपके सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुंचाए. और मोबाइल में जो फालतू में गाने की वजह से, उसके बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुंचा तो माशाल्लाह तो पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको. जज़ाकअल्लाह. हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सबसे दरख्वास्त करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए. जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते, सुन सकते, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते. इंशाल्लाह इससे अब और ज्यादा आपको इंशाल्लाह फायदा होगा और आपको हिदायत मिलेगी. जज़ाकअल्लाह शुक्र भाई साहब. और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है. माशाल्लाह भाई साहब ने अपना नाम अमान रखा है. और अमान, मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको जन्नत फिरदौस मिले. और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. इंशाल्लाह मैं आपको एक कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा. आप अगर स्टेज पे आ सकते, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से कि तर्जुमा रख लीजिए, जब तक आप आए हम दूसरा सवाल लेंगे इंशाल्लाह. कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा सितारा तू है. माइक नंबर 3 में अगर कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं. हेलो, माय नेम इज विघ्नेश
I am from Oriental College. I am staying at Chittagong. मेरा सवाल पहला सवाल ये है कि अगर जब अल्लाह एक ही है तो फिर मेरे जो बैकग्राउंड है वो सब मुसलमान भाई है, मैं अकेला हिंदू, तो I request the sound people please, मेरी दरख्वास्त है साउंड वाले से साउंड जरा क्लियर कीजिए, please see to it that the microphone is clear. I request the sound technicians to see to it that the microphone is clear, including my monitor speaker. भाई साहब आप जरा सवाल दोहरा सकते और आस्ते और जरा जोर से. अगर अल्लाह एक ही है ना तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मैं वो भी हिंदू बना. भाई साहब का सवाल है अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं तुम्हें मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है. दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है. मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी जिंदगी अल्लाह भगवान ईश्वर अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है. जो इंसान अपनी जिंदगी अपने खालिक अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम. तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में या यहूदी खानदान में या मुस्लिम खानदान में, कोई भी खानदान में पैदा होता है वो पैदा होता है मुसलमान जैसा. उसके बाद उसके वालदेन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं. अगर सही चीज सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है. हो सकता है कि वो बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे. इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उर्दू में अक्सर कहते हैं नो मुस्लिम जो गलत है, अंग्रेजी में कहते कन्वर्ट. कन्वर्ट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द अदर विच इज रॉन्ग. सही लव्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम जैसा, फिर उसके वालदेन उसके बड़े के जरिए से वो गलत ट्रैक पे जाता है और जब सही ट्रैक पे आ जाता है वापस. सही लव्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्ट. अक्सर हम कहते नव मुस्लिम जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गलत है. सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम, रिवर्ट. और आपका सवाल था कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया. अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया. हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालदेन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते. आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया. अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता हो सकता है कि मैं मुसलमान होता. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट ये वो टेस्ट वो होता है क्या टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है. जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है. तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद. उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते. और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, ये कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा बिल्कुल गलत है. सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है. जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए. हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है. तो हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में जाएगा, जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है वो जन्नत में नहीं जाएगा. लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं
کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتینا فی الافاقی وفی انفسهم حتی یتبیننا انہ الحق, کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں, تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے, کیا اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. وہ سوچنے لگا ہے, وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن آخرت کے دن اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, اسی لیے میں کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے. اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی, آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے, آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ تو, اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں, لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو, اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو ہے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتا نہیں. نہیں نہیں, مورتی پوجا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا. آپ کہتے کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے, میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں, مذہبی کتابوں کا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیا اپنیشد چیپٹر نمبر 6 ادھیے نمبر 2 منترا نمبر 1 ایکم ایویدتیم, ایشور خدا بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے, لکھا ہے سویتا ستار اپنیشد میں ادھیے نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں ناچسیہ کسیج جنیتا نہ کدیپا, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس ایشور کا کوئی رب نہیں. مطلب ایشور کا, بھگوان کا کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں. اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے سویتا ستار اپنیشد میں ادھیائے نمبر 4 منترا نمبر 19 میں نتسیہ پتی میں استی, اس ایشور کی, اس بھگوان کی, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی اکس نہیں. اکس پرتیما جو سنسکرت لفظ ہے اس کے معنی اکس, خدا کا کوئی پرتیما نہیں, کوئی اکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے یجرویت میں ادھیائے نمبر 32 منترا نمبر 3 میں, جس میں لکھا ہے نا تسرپتی میں استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ کی
कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई मूर्ति नहीं। साफ तौर पे आपके मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र है एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, जब आपके मजहबी किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो फिर भी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है गलत है? फिर गलत है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि इस खुदा इस ईश्वर इस अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर बट और एक क्वेश्चन है। सॉरी बट एक क्वेश्चन है, मैं एक सवाल है सर। आपका एक सवाल है? हाँ ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगर मैं मुसलमान बन गया और ऐसा ही तो इंसान को भूत ही भड़काता ना जी? अगर आप मुसलमान बन गए तो इंसान को तो भूत ही भड़काता ना? आपकी आवाज जरा साफ नहीं आ रही। शैतान ही भड़काता ना इंसान को? आप अगर मुसलमान बन गए तो वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना? इंसान को शैतान भड़काता है? हाँ। तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ करेंगे? भाई साहब का सवाल जो समझ में आ रहा है मुझे, मैं दरखास्त करूंगा ऑडियो टेक्नीशियन से अगर मैं मॉनिटर स्पीकर को साफ कर सके, थोड़ा प्रॉब्लम भी रहेगा। ऑडियंस को साफ सुनने में आ रहा है, मुझे सुनने में नहीं आ रहा है क्योंकि मेन स्पीकर आपके तरफ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो टेक्नीशियन से कि अगर जो मॉनिटर स्पीकर है उसे साफ करे। भाई साहब का सवाल है क्या इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है? अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया उसने गलत काम किया तो क्या अल्लाह माफ करेगा? दो चीजें हैं, एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है, जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता, नहीं मानता कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है, 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे की इसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और गलत काम करता है, हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है हराम है, लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है आपके, फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने की कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तोबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूं। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तोबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूं, क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला रहमान और रहीम है, वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियां करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब आपको पता चलेगा आपने गलती की अल्लाह से तोबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज नहीं करेंगे, और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते अल्लाह ताला माफ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे फिर से माफी मांगो, अल्लाह रहमान और रहीम, जब भी माफी मांगो सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा।
اور اگر آپ بت پرستی سے دور ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو آپ کے ہائی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں سر ایک سیکنڈ سر, کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے؟ جی ہاں. تو جب سگریٹ بھی حرام ہوگا؟ سگریٹ بھی پینا حرام ہے, قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن حرام ہے. اچھا یہی پوچھنا چاہتا کیونکہ ہمارے یہاں جو اکثر مسجد میں جماعتیں آتے وہ بھی سگریٹ پی لیتے. شراب پینا تو صاف طور پہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں کہ حرام ہے, لیکن سگریٹ پینا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو, یعنی سوسائڈ مت کرو. آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹباکو کے وجہ سے, سگریٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے ہر سال 40 لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے. دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد جو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کی وجہ سے, وہ ہے سگریٹ. تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتا نہیں تھے کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ تو کئی علماء کہتے تھے مکروہ ہے. آج 400 سے زیادہ فتوے ہے سعودی میں, ایجپٹ میں, جو کہا گیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے. ابھی جو لوگوں کو لت لگ گئی ہم ان سے دعا, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے. ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ یہ بری لت سے انہیں نجات ملے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر میں ابھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں, اس کے بعد میں خود بخود قبول کر لوں انشاءاللہ. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کرے, اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک ترجمہ لے قرآن کا, اور میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے. اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے فری قبول کرنا, کوئی زبردستی نہیں. آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے, یہ سب سے بہترین مذہب ہے, پھر آپ قبول کیجئے. میں درخواست کروں گا کہ آپ سٹیج پہ آ کے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسخہ مجھ سے لے سکتے. مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم تو سوال کریں. السلام علیکم ٹو آل آف یو. مائی نیم از مایا سسانی, آئی ایم سٹیئنگ ایٹ واشی نوی ممبئی, اینڈ مائی کوشچن از why respected prophets and spiritual scripts were sent to mid asia and nearby europe and why not to india? بہن کا سوال ہے کہ prophets mid asia میں بھیجے گئے ہیں, یورپ میں بھیجے گئے, دیگر ممالک میں بھیجے گئے, انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور سے لکھا ہے, صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہم نے ہر قوموں میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا. اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے, لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے. نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے, لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں, کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں. تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں. تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی ہے, بلڈنگ سے بھی بڑی. اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ٹیلیگرافک میسج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے, اٹس اے ٹیلیگرافک میسج. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا, ہر قوم میں, تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں, نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے.
نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا. جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے, اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے, سارے عالمین کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے, کہیں وہی آئے, جتنے پیغام اللہ کی طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے, وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا, وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کے ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں, پہلے جتنے پیغمبر آئے, جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو یا یو کے میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں, ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں, ہندوؤں کی کتاب میں ہیں, پارسیوں کی کتاب میں ہیں, یہودی کی کتاب میں ہیں. اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے, آپ کو ماننا چاہے قرآن مجید اور ماننا چاہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ون مور کوشچن. جی ہاں میم, مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں, رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے, تو وہ مجھے کنسپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری بورن ریبت تو نہیں ہوتا ہے, پھر سے آپ دنیا میں پیدے نہیں ہوتے, لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب, اس کو کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں, ہندو دھرم میں جو ریبت کا یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے, لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید, دا سائیکل آف برتھ اینڈ ریبت از کال سمسکارا, سنسکرت میں اسے کہتے سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا, لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ جی. بہن سنا ہے؟ جی. ہاں, پنر کی مطلب پھر سے واپس, پنر کا مطلب نیکسٹ, واپس. ٹھیک ہے, مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ, اگلا, واپس. جنم مطلب لائف, جنم مطلب زندگی, پھر سے زندگی, واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں, اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی, پھر موت دی,
फिर से जिंदगी दी। अने इस्लाम में भी हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन एक बार, वो आखिरत में। तो पुनर्जन्म में इस्लाम में भी लिखा है, लेकिन संस्कारा नहीं। जो हिंदू विद्वान कहते जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी और मौत, और अब सात बार लेंगे जन्म इंसान जैसा, इसका जिक्र वेद में कहीं भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, ये पंडितों का विचार थी, सोच थी, ये साबित करने के लिए कि कुछ बच्चे पैदा होते बीमार, कुछ पैदा होते अच्छी सेहत के साथ, कुछ बच्चे पैदा होते अपाहिज, कुछ अच्छी सेहत के साथ, कुछ अमीर कुछ गरीब। तो खुदा भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता, भगवान हमेशा जस्ट है। तो वो उनको ये नहीं समझ में आता था बच्चा कैसा अपाहिज पैदा हुआ, बच्चा गरीब कैसा पैदा हुआ। तो उनने अपनी सोच से सोचने लगे कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, इसीलिए ये बच्चे ने पहले जन्म में गलती किया है ना, इसलिए अभी अपाहिज पैदा हुआ। पहले जन्म में कुछ गलती किया ना, इसलिए गरीब पैदा हुआ। पहले जन्म में अच्छा किया तो अमीर पैदा हुआ। ये उनकी सोच है, ये आपके वेद में नहीं लिखा है। इस्लाम में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कि बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। तो बच्चे जब अपाहिज पैदा होते हैं तो ये नहीं कि वो जन्नत में नहीं जा सकते, हर बच्चा मासूम है। बच्चे वालदेन के लिए फितना है, इम्तिहान है। तो बच्चे अगर हो सकता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होकर बच्चा पैदा होता है, उसको दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी होना मतलब ये नहीं कि बच्चा जन्म में जाएगा, लेकिन वालदेन के लिए एक फितना है, टेस्ट है कि बच्चे अगर बीमार पैदा होते हैं फिर भी वालदेन अल्लाह पे भरोसा करते हैं क्या नहीं। हो सकता है कि वालदेन नमाजी है, अल्लाह के अकामात पे अमल करते, अल्लाह ताला उनको अच्छा मयार देना चाहता है। मिसाल के तौर पे आप जब पास करते हैं ग्रेजुएशन, तो आप बीए पास कर दिए, बीए बन गए, लेकिन जब आप एमबीबीएस एग्जाम देते हैं आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए एग्जाम से बहुत कठिन है और डिफिकल्ट है और मुश्किल है, लेकिन जब मुश्किल टेस्ट पास करते हैं आपका रिवॉर्ड भी बड़ा है। तो अगर बच्चे अपाहिज पैदा होने के बाद फिर भी वालदेन अल्लाह पे भरोसा करते तो अल्लाह ताला हो सकता है उनको जन्नत फिरदौस देना चाहता है, जन्नत में भी लेवल है। तो ये टेस्ट कर रहा है अल्लाह, किसी को गरीब पैदा पड़ता है, किसी को अमीर पैदा करता है। अमीर या गरीब से आप जन्नत में नहीं जा सकते, बनिस्बत अमीर आदमी को जन्नत में जाना और मुश्किल है, क्योंकि उसका इम्तिहान और कठिन है, डिफिकल्ट है। क्योंकि अमीर को चैरिटी देने का होता है, गरीब को चैरिटी नहीं देने का, ज़कात के अंदर गरीब को फुल मार्क्स 100 out of 100। अमीर हो सकता है बोलेगा मैं नहीं दूंगा तो 0 मिला, हो सकता है वो आधा दे रहा है तो आधे मार्क्स मिलेंगे, गरीब को 100 out of 100। हम कहते हैं गरीब है, पुअर बॉय, गरीब के और चांसेस है जन्नत में जाने के लिए, हम कहते रहे गरीब इंसान है, ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह ताला कहता है कि दौलत एक इम्तिहान है। तो ये हिंदू विद्वान इसे समझ नहीं सके तो संस्कारा कहे मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, लेकिन ये वेद में लिखे ला पुनर्जन्म। एक बार आप इस दुनिया में आएंगे, इसके बाद आपकी मौत आएंगी, फिर से उठाया जाएगा आखिरत के दिन पे, और उस दिन आपका हिसाब किताब होगा। फिर अल्लाह ताला आपका हिसाब किताब लेंगे कि जो अल्लाह ने इंसानों से फरमाया था कि एक खुदा में मानो, आपने खुदा ने माना कि नहीं, बुत परस्ती मत करो आपने किया कि नहीं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानो आपने माना कि नहीं, आपने सलाह पढ़ी क्या नहीं, आपने चैरिटी दी क्या नहीं, आपने रोजा रखा कि नहीं। तो ये अल्लाह ताला हिसाब किताब करने के बाद आपको ग्रेस मार्क भी दे सकते, उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि आप इस इम्तिहान में सफल हुए क्या नहीं। सफल होंगे तो जाएंगे स्वर्ग में, जन्नत में, अगर सफलता नहीं पाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये आपके ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा है कि अगर हिदायत देने के बाद, आपको सही चीज बताने के बाद, आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन, कि आप मानते कि खुदा एक है? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ।
آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں, میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول اسلام از جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی بھائی تو خلاص داخل دو گے, آپ ٹینتھ پاس کریں گے, پی ایچ ڈی کریں گے. ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے دو شرائط ہے. کون سی دو شرائط؟ ایک اللہ میں مانو, بت پرستی مت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دو چیز پہ آپ مانتے عمل کرتے ہیں آپ داخل ہو جاتے, پھر آپ فرسٹ لیول سیکنڈ لیول تھرڈ لیول فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے, ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے پھر میں اسکول میں جاؤں گا, پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے اسلام قبول کرے؟ ہاں بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو نہیں کہ 100% آپ کو, 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے, ہم لوگ انسان ہیں نا. میں بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ تو ماشاء اللہ آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے, بالکل صحیح, کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا میں دعویٰ کر سکتا رہے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100%. 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کے راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے, ہمیں پتا نہیں ہم کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر کا انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے, ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو ہاں نظر بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاء اللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے, مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے. نہیں نہیں, اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو؟ نہیں نہیں نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پوئر ہے نا. میری اردو بھی پوئر ہے, اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نے آپ کی اچھی اردو نے آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکس بات کرتا ہوں. جی آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسے دیے آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالرز آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں, اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں, آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی انٹری ہو گئی, آپ کا داخلہ ہو گیا. شکریہ سر. وداؤٹ رشوت وداؤٹ ڈونیشن, آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے. اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور آپ کو پی ایچ ڈی دے. پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن, مطلب جنت. پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے, اور میں دعا کروں گا آپ سے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں.
सर एक्चुअली आपको ढूंढते हुए मैं आपके जैस्मिन अपार्टमेंट में भी घुस गई थी एक बार। सर जैस्मिन अपार्टमेंट में गई थी? और आपके घर पे जाके आपकी बेटी से बात की थी जिक्रा से। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम माया है। माया है माशाल्लाह। मेरी बेटी ने मुझसे कहा नहीं माशाल्लाह। थैंक यू सर। इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह शुक्र। जी माइक नंबर 5 में कोई खातून हूँ नॉन मुस्लिम। हेलो मेरा नाम उषा है, मैं कॉटन मिल से आई हूँ। मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कबूल करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉन मुस्लिम के हर एक मजहब में बचपन से ही बच्चों को माँ बाप से सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हम उस माहौल में रहते हैं, जीते हैं, हम सच मान लेते हैं कि सच क्या है वो पता नहीं चलता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो उनमें ईमान कैसे आएगा? बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालदैन कह रहे हिंदू मजहब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए, तो हमें कैसा पता चलेगा कि अल्लाह एक है, हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना। यह आपका सवाल है बहन, सही? बहन आप इसका जवाब अगर देखना चाहते तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाल्लाह 2 या 3 लोग ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे, उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुबहाना व ताला कहते हैं सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनूरी मायातीना फिल आफाकी वफी अनफुसहिम हत्ता यतबयना नौ अन्नुल हक, के बहुत जल्दी अल्लाह सुबहाना व ताला आपको हर इंसानों को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वाजे हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वाजे हो गया और अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो वो दोषी है। हक वाजे होने के बाद जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचेंगे अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे वालदेन मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो तिजारत में नुकसान होगा। तो ये चीजें आपको रोकती है हक कबूल करने से। तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि हक को आप कबूल करते हैं कि नहीं, तो ये आपके लिए इम्तिहान है। लेकिन अल्लाह ताला हर इंसान मरने के पहले जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी ईश्वर के अलावा किसी की इबादत कर रहा है, अल्लाह मरने के पहले उसके दिल में वाजे कर लेते हैं कि खुदा एक है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट चाहे कुछ जरिए के थ्रू वाजे तो कर देते हैं। और आज आप यहां मौजूद है इस मजलिस में, और मैंने पहले भी साबित कर चुका हूं कि हिंदू मजहब की किताबों के जरिए कि खुदा एक है और उसकी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं कि यह कहने का कि मैं हिंदू खानदान में पैदा हुई इसीलिए मुझे पता नहीं कि खुदा एक है। आज के पहले अगर आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी होती और यहां मौजूद नहीं थी तो हो सकता है आपके पास फिर भी बहाना होता कहने का कि मुझे पता नहीं हक क्या है। आज तो बहाना नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी मानती हूं। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 या 3 चीजें काफी है आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? हाँ जरूर। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है बहन? कोई नहीं। कोई भी दबाव? मैं दिल से कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह दिल और होशो हवास से? जी हाँ। क्योंकि जबरदस्ती करना इस देश में हराम है, हमारे मजहब में भी हराम है। आप दिल से करना चाहती है? जी हाँ। होशो हवास के साथ? जी। कोई भी माली दबाव नहीं?
जी नहीं। कोई भी फिजिकल पेशेंट नहीं? नहीं। इंशाल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा और आप उसको दोहरा सकती है। जरूर। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशदु व अशदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु सॉरी व रसूलुहु व रसूलुहु मैं शहादत देती हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुस्लिम हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा लें ख्वातीन के शोबे से और उसको पढ़िए, इंशाल्लाह आपको और हिदायत मिलेंगी। और मैं अल्लाह सुब्हान से दुआ करता हूँ कि आपके इस जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और आपको जन्नत में डाले इंशाल्लाह। माइक नंबर एक से पहले मैं उस भाई को दावत दूंगा जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया कि वो तशरीफ लाया और डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथ से कुरान शरीफ का तर्जुमा लें। माइक नंबर एक से सवाल। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी एक भाई और हैं जिनको कुरान शरीफ का तर्जुमा डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथों से लेना है। जी भाई माइक नंबर एक से सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आया बहुत कोशिश करके अपने दोस्त के साथ में, बहुत मुश्किल से, मुझे बहुत शर्म आ रही थी लेकिन मुझे आज मेरा दोस्त लेके आया इस मौके पे इस्लाम कबूल करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं बहुत दिल से खुश। मैं आज 15 सालों से सोच रहा था करने के लिए लेकिन मैं शर्मा रहा था अपने ये चाल लोग से कि चाल के जो आदमी है कि मुझे गलत सोच चाहिए कि ये लड़का इस साल से रहा है, कभी सोचा नहीं आज ये सोच रहा है। मैंने अपने दोस्त से बोला था बहुत पहले भी कि मुझे इस्लाम कबूल करना है तो उसने मुझे लेके आया आज। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाह रहा हूँ। ये हुसैन मेरा दोस्त है, आज ये मुझे लेके आया। मुझे इतना खुशी है कि मुझे आज इस्लाम कबूल करना है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ मेरा दोस्त मुझे अच्छी जगह लेके आया है कि मैं आज तक कहीं मंदिर ना कोई मस्जिद कोई कहीं मैं गया ही नहीं हूँ कि मुझे कुछ रास्ता ही नहीं मालूम है कि खाली इतना मालूम है कि भाई हाँ कि मेरे दोस्त मीम भाई हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ होता इज्जत करता हूँ कि हाँ भाई लोग सब जाते हैं नमाज वमाज पढ़ते हैं, मैं एक हूँ अकेला कि मंदिर नहीं जाता कुछ नहीं जाता हूँ, इन लोग साथ रहता हूँ सब सीखा हूँ सब साथ में बैठा उठा हूँ। लेकिन मुझे एक ही चीज मतलब समझ में आती कि मैं मरूंगा मुसलमान लेकिन मुझे कोई एरिया ले कोई ये तो नहीं करेंगे, तो मैं आज दिल तो खोल के आया हूँ अपने दोस्त के साथ में, मुझे इस्लाम कबूल करना है। माशाल्लाह देर आई दुरुस्त आई। भाई कह रहे कि 15 साल से वो सोच रहे थे कि इस्लाम कबूल करे और बाकी मुसलमानों को देख के इस्लाम से मुतासर हुए लेकिन शर्मा रहे थे कि पड़ोसी क्या कहेंगे। और जैसे मैंने कहा अक्सर ये शर्म और ये हया जो है ये शैतान की तरफ से, शैतान रोकता है कि लोग सही रास्ते पे चले और उसे रोकता है कि अगर करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा और अक्सर लोग इसके वजह से सही रास्ते पे नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हिम्मत की और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके जिद्दोजहद कबूल फरमाए। आप इस्लाम अपने दिल से कबूल करना चाहते? हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ आप मानते हैं कि एक खुदा है एक अल्लाह है? हाँ भाई। आप मानते हैं कि बुत परस्त की मूर्ति पूजा गलत है? गलत, एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाल्लाह आप इस्लाम अपने दिल से कबूल कर रहे? एकदम दिल से। कोई भी जबरदस्ती? कोई जबरदस्ती नहीं है। आप खुले दिल से और खुले दिमाग से? हाँ। कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है। माली दबाओ? कुछ नहीं। फिजिकल प्रेशर? कुछ भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं कलमा दोहराऊंगा, अरबी में आप भी उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशदु अशदु अल्लाह
اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشدو واشدو انا انا محمدن محمدن عبده عبده ورسوله ورسوله. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. دل تو آپ کا 15 سال سے کہہ رہا ہے, آج آپ نے ظاہر کرا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کے مشکلات کا حل فرمائے اور آپ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا پائے. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, مل سکتا ہوں؟ ضرور آپ آ سکتے, میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہوں سوال کیجیے. ویری گڈ ایوننگ سر. می از پروفیسر سمیت جیان. And it was great thought. Yesterday I was seeing some good videos related to your religions, your literature and many more. So I have one query. My question is income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? Bhai sahab ka sawal hai کہ آمدنی انٹرٹینمنٹ جیسے ٹی وی سیریل, ماڈلنگ, ایکٹنگ, یہ جائز ہے کہ نہیں؟ انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے, جائز انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے. حرام انٹرٹینمنٹ سے حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہے. تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے یا حلال ہے. جو بھی آپ نے کہا اکثر جو ٹی وی سیریل ہے, فلم ایکٹنگ ہے, ماڈلنگ ہے, یہ حرام ہے. کچھ ٹی وی سیریل اگر اسلامک ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے, اس کی کمائی. Give me some examples of حلال یا حرام. Means for حلال. حلال. Yeah. میں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایگزامپل دیجئے. مثال کے طور پہ پیش ٹی وی پہ کوئی سیریل ہے, پیس ٹی وی پہ ہمارے بچوں کے اینیول ڈے کے سیریل آتے ہیں, وہ بچے ایکٹنگ کر رہے, لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آ رہے, وہ حلال ہے. لیکن عام طور پہ جو ٹی وی سیریل ہے, عام طور پہ اکثر ٹی وی سیریل حرام ہے. وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے, اس میں بے حجابی ہوتی. جو لوگ کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے پہننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں, کپڑے صحیح نہیں ہوتے, اس کے اندر حجاب نہیں ہوتا. ایکٹنگ, ماڈلنگ, اگر آپ ایسے ماڈلنگ کر رہے, مثال کے طور پہ جو خواتین اگر ماڈلنگ کرتی ہے, اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, وہ سب حرام ہے. میں سنا تھا ایک ویری فیمس ایڈ کے بارے میں. آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈبلیو کے بارے میں سنا؟ بی ایم ڈبلیو گاڑی بہت فیمس ہے, خصوصاً نوجوانوں میں. مرسڈیز فیمس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو. مجھے ایک جن نے کہا تھا کہ بی ایم ڈبلیو کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے, وہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے, لڑکی کھڑی ہے بکنی پہنے ہوئے, اور وہ ایڈ میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب آؤ اسے چکو. کس کو, گاڑی کو یا لڑکی کو؟ تو بکنی کھیل کی پین کے لڑکی آگے کھڑی ہے, یہ حرام ہے. تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ, ہم ہماری بیویاں, ہم ہمارے بیٹیاں کو بیچ رہے اور کہتے ہیں وومنز رائٹ. تو اکثر یہ فلم کے اندر, ننگا پنا ہوتا ہے. اگر ننگا پنا نہ ہوتا ہے دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے. تو ایسے فلم میں ایکٹنگ کرنا, ایسی ماڈلنگ کرنا غلط ہے.
لیکن اگر آپ دیکھتے پیچ ٹی وی پہ, پیچ ٹی وی پہ ہمارے مقررین ماشاءاللہ پرومو کہتے, ماڈلنگ نہیں کہوں گا, لیکن وہ کہتے کہ یہ پروگرام دیکھو, اور وہ چلتے آ رہے اور کوئی ہدایت کی بات کہتے, یہ الاؤڈ ہے. تو اگر جو چیز انٹرٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے, ہمارے ایشور ہمارے خالق کے پیغام کے خلاف نہیں, تو جائز ہے. لیکن اکثر یہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, ایکٹنگ ماڈلنگ, اکثر حرام ہے. تو ایسی حرام چیز کے ذریعے کمائی بھی حرام ہے, حلال چیز کے ذریعے حلال ہے. ہوپ دا آنسر دا کوشچن. بھائی صاحب, آپ کچھ ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال کی کیا وجہ تھی؟ دا پوائنٹ از مائی فرینڈ شوڈ آسک می دس کوشچنز, بٹ لائک ہی واز ٹرائنگ لائک فرام دا لانگ ٹائم بیک, سو ہی واز انیبل ٹو آسک یو دس کوشچن فرام یو, سو ہی پوائنٹڈ ٹو می, اینڈ سو دیٹ آئی ول بی ایبل. ماشاءاللہ. تو اسے انگریزی میں کہیں گے پراکسی. پراکسی, یا پراکسی. بھائی صاحب نے کہا کہ میرا مسلم دوست چاہ رہا تھا سوال پوچھنے کے لیے, اسے اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جیسا کل کہہ رہا تھا ایک بھائی صاحب, بھائی ہم کو برین ہیمریج ہو رہا ہے, مسلمان کو پوچھنے نہیں دے رہے, ہم مہمان کی خاطر کرتے کرتے مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا. تو یہ بھائی صاحب نے ہندو کو پوچھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, رائٹ, آپ پروفیسر ہیں؟ یا آپ نے کہا کہ آپ نے میری تقریر سنی. یا ہاں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مانتے خدا ایک ہے؟ دیکھیے, میں سبھی ریلیجن کو مانتا ہوں, ایون دیٹ آئی ایم ان جین, تو میں وہ بھی مانتا ہوں. میں لائک عیسائیوں کو بھی مانتا ہوں, مسلمز کو بھی مانتا ہوں, سبھی کو مانتا ہوں. ایسا کوئی نہیں ہے, بیکاز پیپل لائک ون, گاڈ از ون, رائٹ, ایوری تھنگ از ون, تھنگ از تھنکنگ. اف یو تھنک لائک ان اے رائٹ وے, ایوری تھنگ از گڈ. سو اٹ از ناٹ لائک دیٹ یو ریسپیکٹ دس ریلیجن, یو ریسپیکٹ دیٹ ریلیجن, ایوری ریلیجن از گڈ. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ سب دھرم میں مانتے ہیں, سب دھرم کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے, سب دھرم صحیح ہے. سب دھرم کو ریسپیکٹ کرنا میں بھی مانتا ہوں, قرآن مجید میں بھی لکھا ہے, سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں. ریسپیکٹ کرنا الگ ہوتا ہے, ماننا الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے پروفیسر کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہ اسے ماننا چاہیے. That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. MashaAllah. آپ نے, لیکن میرا فارمولا کیا ہے؟ Right. میرا فارمولا یہ جو میں نے آئے شروعات میں, اس سوال جواب کی شروعات میں, میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے, تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرے, ورنہ انشی کا بھی شیئ ہوں, ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے, ورنہ انشی کا بھی شیئ ہوں, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فن تولو, اگر وہ پھر مڑ جائے, فن تولو فقول شدو بیننا مسلمون, تو میں کم از کم شہادت دیتا ہوں کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی بات مانتا ہوں, میں مسلم ہوں. تو یہاں میں کیا کہتا ہوں, کامن فارمولا, میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہر انسان کوئی بھی مذہب میں مانتا ہوں, کم از کم یہ ماننے کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے, ٹھیک ہے؟ تو ہندو کہے گا مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے کہ وید خدا کا کلام ہے. وہ کرسچن کہے گا مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے کہ بائبل خدا کا کلام ہے. مسلم کہے گا کہ مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے قرآن اللہ کا کلام ہے. بعد میں میں کہتا ہوں ہم کم از کم اس بات پہ عمل کرے جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے. تو میں ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹو ریلیجن, اسلام اور تقابل مذاہب کا میں طالب علم ہوں. تو ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ سارے مذہب کی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. میں حوالہ دے چکا ہوں, ہندو مذہب کا حوالہ دے سکتا ہوں, چھندوں کے امرت چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1, سویتا سدر پریشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, سویتا سدر پریشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3, سب میں لکھے لائے بھگوان ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے. اب بائبل پڑھیں گے, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. قرآن میں لکھے لائے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1-4 کہ قل ھو اللہ احد, کہو کہ خدا ایک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. جو اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے, صحیح یا غلط کل ڈسکس کریں گے. آپ پروفیسر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اگر جو چیز سارے کتابوں میں یکساں ہے تو 100% صحیح ہونا چاہیے.
جو چیز میں اختلاف ہے وہ ہم کل ڈسکس کر سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط. تو یہ فارمولا جو وین ڈائیگرام ہوتا ہے پروفیسر ہے نا, وین ڈائیگرام مطلب کامن, اٹ بلانگ ٹو بوتھ دا سرکلز, ڈسکریٹ میتھمیٹکس, رائٹ. ماشاء اللہ آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے, لیکن وہ ایک ہوتا ہے تھیوری ایک ہوتا ہے پریکٹس. فائن, تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی, نوٹ تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی, تھیوری ایکس اینڈ پریکٹیکل ایکس, تھیوری وائی اینڈ پریکٹیکل وائی. تھیوری بولنا آسان ہے, بہت سے مقررین تقریر کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں تقریر کرتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکوں. تو میں چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو بھی وہ دے کہ جو آپ سکھاتے اس کے اوپر عمل کرے. وین ڈائیگرام سے یہ معلوم ہوتا ہے, ہم جب ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے, اہم مذہب, میجر مذہب, ہندوازم, کرسچینٹی, جوڈائزم, اسلام, پتا چلتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب مذہب کے ٹھیکے دار, مذہب کے ٹھیکے دار کیا سکھاتے وہ چھوڑو, وی ہیو ٹو گو ٹو دا سورس. مذہب کے ٹھیکے دار اپنے فائدے کے لیے بہت سے غلط چیز سکھاتے. واٹ از ٹروتھ یو شوڈ فالو. تو وین وی گو ٹو دا سورس پہ جاتے پتا چلتا خدا ہے کہ بت پرستی غلط ہے. آخری پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری مذہبی کتاب میں لکھے لے کہ شراب غلط ہے, ہندوازم میں, کرسچینٹی میں, جوڈائزم میں, اسلام میں, ساری مذہبی کتاب میں لکھے لے, پوک حرام میں, ہندو مذہبی کتاب میں لکھے لے, بائبل میں لکھے لے, قرآن میں لکھے لے. تو کیوں نہ ہم کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرے, جو چیز اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وین ڈائیگرام آپ پروفیسر ہے, آپ کو ماننا چاہیے جب بولتے آل ریلیجن کی ریسپیکٹ کرتے آپ, تو آل ریلیجن جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کیا نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے. دیکھیے میں بول چکا ہوں سب چیزیں مانتا ہوں, لیکن پہلے چیز میں پانچ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو مین ہے لائف میں. نمو اریہنتان مینس سبھی اریہنتوں کو نمسکار, نمو سدھانم سبھی سادھو کو نمسکار, نمو آریانم سبھی آریانوں کو نمسکار, نمو جھانم این نمو لوہی سبھی سبھی سامنا, مطلب سبھی لوہ پروش کو نمسکار. تو سبھی کو نمسکار کرنے کے بعد آپ کسی کے بارے میں سوچئے سب چیز صحیح ہے. بھائی صاحب آپ نے کہا نمسکار 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 نمسکار, آپ نمسکار کا مطلب جانتے ہیں؟ رائٹ, کیا مطلب ہے نمسکار کا؟ نمسکار کا مطلب آپ کی مورل ویلیوز, یو گیو دی ریسپیکٹ. ڈونٹ گیو می دا ایگزیکٹ لٹرل میننگ. What is the meaning of namaskar? اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آپ بات کر رہے سنسکرت, میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا؟ آپ کو نہیں پتا تو میں بتاؤں گا نمسکار کا مطلب کیا ہے. What is the literal meaning of the word namaskar? آپ کہہ رہے ہیں آپ پروفیسر ہیں, میں طالب علم ہوں, میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں, اسٹوڈنٹ پروفیسر سے پوچھ رہا ہے آپ نے نمسکار کا لفظ استعمال کیا, نمسکار 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 نمسکار. میں طالب علم ہوں آپ سے پوچھتا ہوں نمسکار کی معنی کیا ہے؟ آرین سے نمسکار, سادھو سنت سے نمسکار, نمسکار کی معنی کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ذرا پروفیسر سے اونچا ہو جاتا ہے, نہیں پتا تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. بتائیے. نمسکار آتا ہے لفظ ادم نممے سے, سنسکرت لفظ ہے ادم نممے سے, مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, اس کا مطلب میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. اسی لیے اگر کون مجھے نمسکار کہتا ہے تو میں اس کو واپس نمسکار نہیں بولتا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں صرف خدا کی. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. یہ ہندو فلسفی ہے, ہندو فلسفی, لیکن ان کے کتاب کے خلاف ہے. وید میں نہیں لکھا ہے, وید میں لکھے لا ایک ہی ایشور کی عبادت کرو. یہ پینتھیزم جو ہے وہ کریپنگ کیا ہے. پینتھیزم مطلب سب کچھ خدا. اکثر ہندو سے پوچھیں کتنے خدا ہے, کون کہے گا 3, کون کہے گا 10, کون کہے گا 100, کون کہے گا 33 کروڑ. ایک ودوان ہندو سے کہیں گے جو اپنے مذہبی کتابیں کے بارے میں جانتا ہے وہ کہے گا خدا ایک ہی ہے. تو اکثر ہندو بلیف کرتے فلسفی جسے کہتے پینتھیزم. پینتھیزم مطلب ایوری تھنگ از گاڈ, سب کچھ خدا ہے. ہم مسلمان ہندو کہتے سب کچھ خدا ہے, یہ چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, پیڑ خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے,
सांप खुदा का है. क्रिश्चियन हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, जी ओ डी विद एन अपोस्ट्रोफी. तो मेजर फर्क है का. ये का के फर्क पर मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे. द डिफरेंस इज द अपोस्ट्रोफी. हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, जी ओ डी विद एन अपोस्ट्रोफी. इफ वी कैन रिमूव द अपोस्ट्रोफी वील बी वन. कैसे करें? गो बैक टू योर स्क्रिप्चर्स. वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो. तो का के फर्क को निकाल लेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे. खुदा एक ही है. हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, इक्कम ब्राह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है. नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. देर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट. तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है. थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इन टू प्रैक्टिस. थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं. झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है. इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मजहब का. कम अज कम शुरू में यह तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए. इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मजहब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में. इंशाल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी. थैंक यू सो मच जी. माइक नंबर 3 में कोई नॉन मुस्लिम भाई हो सवाल कीजिए. नमस्कार. डॉक्टर जाकिर नायक साहब को मेरा सादर नमस्कार और आए हुए सभी मुस्लिम भाई और नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार. सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर अल्लाह गॉड जो परम सत्ता है वह किसी जात मजहब भेष किसी स्थल का मोहताज नहीं है. वह जर्रे जर्रे में है. कहते हैं हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है. मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखिला लिया हूं जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूं. अभी बड़ा शिशु में हूं तो वहां पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया. कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहां नहीं सर्वत्र है, इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सर्व सारा जहां जो है वही ईश्वर अल्लाह गॉड है. वो किसी समय किसी का मोहताज नहीं है. सवाल यही है जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है तो वो ईश्वर यहां पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं. भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उसकी उम्र 49 ईयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है
और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी। आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहां मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। पहला चीज, हम ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है, जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहि सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहि सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा, मेरे पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब एक झलक दिखाते उस पहाड़ को, उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहि सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देखे, ईश्वर को देखे, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वज देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहेंगे। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहि सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और मैं मिसाल पेश करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं कि ये तलवार है और मैं तलवार से आपका हमला करूंगा, मैं इस तलवार से आप पर हमला करूंगा, आपका अगर ईश्वर है तो आपको बचा ले। पहले दरख्वास्त होती वो आदमी से कि अगर ईश्वर है तो आप हमला करो और मुझे बचाओ। तो ये धार्मिक इंसान कहते हैं कि आप मुझ पर हमला करो और अगर ईश्वर है तो मुझे बचाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है इस मिसाल से कि जरूरी नहीं अगर मौजूद है तो वाकई बचाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जाहिर करना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये तरीका है कि जाहिर होना देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप द आंसर इज द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 4 में नॉन मुस्लिम बहन सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम सपना है, मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं हिंदू के घर की हूँ, मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो ये हिंदू मुसलमान आप बोलते हो जे हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है, मैं मानता हूँ। मगर ये बात है, जो हिंदू बच्चा होते हैं तो हिंदू का सलामी दिया जाता है,
जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी दे देता है जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है, और जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम पे नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है, जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा हमें सिखाया गया बचपन से भगवान को मानना है, हम भगवान को मानते हैं, हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं, हमें जैसा शिक्षा दिया गया वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखो पुरखो इतनी बुरे लोग थे, इतनी जानते है, तो आप उस आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते, आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमारे बाप दादा 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 सब मतलब इन्होंने देख के आया, ये हमने भी देखा है, हम हिंदू की हूँ, मगर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सम्मान कर सकते हो। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। कर नहीं सकते कैसे, हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती, तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत, ये क्या है? बहन आप कहते हैं कि आपकी शिक्षा कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दो जमा दो कितनी होती है, दो जमा दो कितना होता है, दो जमा दो कितना होता है, दो जमा दो कितना होता है, चार होता है। माशाल्लाह, तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया दो जमा दो पांच, तो आप क्या कहेंगे उससे? चार होगा पांच कहेगा, तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी, नहीं मेरे वालिद ने तो सिखाया, उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है दो जमा दो चार भी, दो जमा दो पांच भी, ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा कौन सा सही है, उसके ऊपर अमल करें। नहीं नहीं मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, दो जमा दो चार भी थे, दो जमा दो पांच भी थे। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते दो जमा दो चार है, कितने लोग नहीं जानते दो जमा दो चार है, वो कहते पांच है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी दो जमा जो पांच नहीं दो जमा जो चार है, फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, दो जमा दो चार ही है, पांच गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालदे ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते हैं, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं, अगर मैं गलत मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, क्या मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं, ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मजाहब का तालिब इल्म हूं, 19 साल तक के मैं भी मेरे वालिद थे इसलिए मैं भी मुस्लिम था, 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा पता चला कि मैं सही मजहब में हूं, और फिर दिगर मजाहब का मुताला किया कि हर मजाहब में अच्छी बातें हैं, हर मजाहब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारे जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा है आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारे जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है, मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूं, डिबेट डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का सबसे एक बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुना आपने?
श्री श्री रवि शंकर ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो, ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही, वो कहता है कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं आते, अपने किताब उनकी ये कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही, तो मैं कहता हूँ कि आपके जो विद्वान के बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूँ आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा, अगर वो इस्लाम को नहीं जानते इस्लाम को बाजू रखो, मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया, मैं पूछता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारे मानी गलत है। मैं कहता हूँ कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा के मानी है अक्स, उस खुदा उस ईश्वर उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते है? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो देख सकते, जैसे शिक्षा दिया गया किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ति तो देखो गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो, लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते है क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रहा कि मैं गलत नहीं करती। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 जमा 2 5 तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो आप, मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखे गलत है उसको बाजू रखो, आप कुरान में नहीं मानती, आपके धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जी इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है आप, बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा करके आया, आज की तो बात नहीं थी, हमने मना कर दिया, चलो हमने नहीं कर रहा हूँ, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। अगर जमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 जमा 2 5 6 तो आप उसको मानेंगे? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है, गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान है, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूं मैं, उसकी बात को मानूं क्या, छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है, आप इस उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना उस टाइम बल्कि अच्छा था, न्यूज था, पहले आधुनिक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ लोग एक साथ में देख सकते थे, आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ लोग देखते हैं, तो आपको कोई अभी कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ लोग के सामने आपको कहा गया है क्या मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी मूर्ति पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया आपकी कुरान शरीफ में, जैसे लिखाई गया हमारे गीति महाभारत में लिखाया गया, मगर वो पढ़ना तो गुना नहीं है ना। नहीं, किधर, मैंने कब बोला कि गीता, मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं लेकिन पढ़ा हूँ। हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बैठ नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बैठ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ, मगर मैं कर रहा हूँ हमारी पुरखो जो करके आया तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखो कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानू मैं उसकी पुरखों की बात, मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। भाई मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 जमा 2 5 तो क्या मानू? मैं कहूंगा मैं उनके अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ। सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन
जब आप अपनी शोहर की इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपकी मोहब्बत कर, शोहर आपसे मोहब्बत करते हैं ना? करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरे बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या? नहीं जाए क्या? नहीं। तो मैं पूछता हूं कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी ना, नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहन होना जरूरी है। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अनपढ़ थे, लेकिन सबसे जहीन थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे किताबों, आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है? नहीं। तो आप क्यों नहीं बुतप्रस्ती छोड़ते? आप कहते आप शोर से मोहब्बत करते, करते है क्या? नहीं, क्वेश्चन मार्क है। हाँ। क्वेश्चन मार्क है। हाँ। ये ऊपरी मोहब्बत है। सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो। आप नहीं चाहेंगे आपके शोर आपके साथ हो? हाँ। हो गया नहीं? हाँ। तो आप ये नहीं तहकीक करेंगे कौन सही आपका शोर क्या? आप नहीं, वो मानते हो मेरा शोर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा है इसका छोड़ सकते, मगर मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना मैं जरूरी। धर्म का नाम की बात कर रहे आप? हाँ। नाम की? नाम से मैं भी हिंदू हूं। क्या हूं? हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू। हाँ। ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया। हिमालय के हिंसे और सिंधु के दूसरे कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूं गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है। तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूं, इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन ने ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, मैं हिंदुस्तानी हूं लफ्ज के डेफिनेशन से, मैं हूं हिंदू। लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुद्ध परस्ती करता है तो मैं वो हिंदू नहीं हूं। आपने कहा कि आप भी बुद्ध परस्ती नहीं करेंगे तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है, लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू नहीं सकते। मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूं। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन आप समझ रहे? आप बहुत नहीं है माशाल्लाह। तो बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं, आप कहते हैं कि आप पढ़ नहीं और समझ रहे माशाल्लाह। तो ऐसा इल्म का क्या फायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए? यू नो, कल मेरी तकरीर थी, इल्म तालीम दोनों जहां के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। आप बुद्ध परस्ती को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा हराम में, तो आप बुद्ध परस्ती को छोड़ने तैयार है? तैयार है? हाँ। माशाल्लाह, मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाल्लाह, उसका मतलब मुस्लिम है। हाँ। तो आदमी के पास आएगा तो मुस्लिम ही है जी। आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जात मुसलमान ही होता है, औरत जात का कोई जात। आदमी है तो मुसलमान है, कभी कभी जरूरी नहीं उल्टा भी होता है, जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक मैं कहूंगा सही है क्या पता नहीं, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है। तो प्यार अंधा भी होता है। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है, जो शेख फैजुर रहमान मुझ पर हंसेंगे, उन्हें कौन सा शेर कह दिया ऐसा, सब शहर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो किया, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है
ایک خدا کو ماننے تیار ہے ایک اور ماننے کو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتی ہیں. میں مسلم تو ہوں. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں. ماشاء اللہ. کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی؟ میرے کو ابھی 8-9 سال ہو گیا. 9 سال ہو گئے. آپ کے شوہر نے زبردستی نہیں کیا. صحیح کیا ہے غلط کیا بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن آج آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی ہیں اسلام؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتی؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا محمدن محمد محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں, یہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی کوئی معبود نہیں معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ 9 سال کے بعد اب مسلمان ہو چکی ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا علم حاصل کرو, قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیے, اور آپ کی یہ شہادت نے میرے کل کی تقریر کو مکمل کیا ہے. میں کہہ رہا تھا تعلیم دونوں جہاں کے لیے, وہ تعلیم آپ پی ایچ ڈی پاؤ پی ایچ ڈی کرو ٹیچر بنو پروفیسر بنو, لیکن آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے آئیں گے, آپ کے خالق کے قریب نہیں لے کے آئیں گا وہ تعلیم, تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس پروفیسر سے بہتر ہے جو اس کا تعلیم اس کو رب کی طرف نہیں لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں انشاءاللہ جنت دے. Hope that answers the question. آپ کو سلام, آپ کے جتنے بھی مسلم بھائی ہے اس کو بھی میرا سلام. مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کیجیے. السلام علیکم, میرا نام سنگیتا ہے. میرے شوہر نے اسلام قبول کیے, میں ہندو ہوں, تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور مجھے قرآن کی کتاب لا کے دی, اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے, تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے آج اسلام کرنا ہے. ماشاءاللہ, آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھے آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے. اور شروع میں جو کرائیٹیریا ہے لوگ اسے خود دہرا رہے. بہن, میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے؟ جی نہیں. بہن, آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی؟ میری شادی کو 15 سال ہوئے. ماشاءاللہ, 15 سال سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے کہ آپ, ماشاءاللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نے سارے مجمع میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کوئی بھی زبردستی نہیں, کوئی بھی دباؤ نہیں, نہیں کسی کا دباؤ نہیں. آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی دباؤ؟ جی نہیں. آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی آپ کے شوہر نے نا کہ شادی نہیں کروں گی تو طلاق دے دوں گا؟ جی نہیں, کوئی وارننگ نہیں. میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ, میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں,
मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के इलावा कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है। सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको इस जहां और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा एक सवाल है, ताकि मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो मुझे इस्लाम के तरीके निकाह करना पड़ेगा क्या? बहन का अहम सवाल है, क्या आपने इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो क्या इस्लाम के तरीके से निकाह करने पड़ेगा? बेशक, क्योंकि पहले आपने कैसे निकाह किया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर सही तरीके से जिस तरीके से निकाह करना चाहिए नहीं किया आपको करना पड़ेगा। और एक चीज जरूरत है, आपके शोहर होने वाले शोहर या शोहर को मेहर देने पड़ेगा। आपका फायदा है, आप मेहर पूछ सकती है कि आपके शोहर या आपके होने वाले शोहर से क्या मुझे 1 लाख मेहर दो। हो सकता है आप 2 लाख पूछ सकती है, मुझे पता नहीं क्या ताकत है आपके शोहर की, 5 लाख भी पूछ सकती है, मेहर पूछ सकती है, ये आपका हक है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 कि शादी के वक्त अपनी होने वाली बीवी को एक तोहफा दो जिसे कहते हैं मेहर। मेहर शादी के लिए निकाह के लिए फर्ज है और आपको इस्लामिक तरीके से शादी करने पड़ेगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करो कि जितनी भी आप जानकारी रखते इस्लाम के बारे में उसके लिहाज से आप और आपके शोहर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी बसर करें। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी माइक नंबर 1 में कोई नॉन मुस्लिम भाई सवाल कीजिए। जाकिर साहब सलाम अलैकुम, मेरा नाम अर्जुन है, मैं मुंबई का हूँ। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, तो मैं एक दिन सिकंदर भाई को मिले थे, 1 साल हो गया, तो मुझे कलम लिख के दिए, मुझे कलमा पढ़ने के आपसे, बस सब लोग से मुझे दुआएं चाहिए। सब भाई बहन इसके लिए आज दुआ करें प्लीज। मैंने कहा कि वो 1 साल से परेशान है और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। भाई साहब इस्लाम का मतलब है शांति। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको शांति मिले। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ पैगंबर है। आप कितने वक्त से इस्लाम के बारे में पढ़ रहे या इस्लाम के बारे में कसर देख रहे? अरे 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना माशाल्लाह। आप इस्लाम के चीज के ऊपर जो भी आप इस्लाम के बारे में जानते हो उससे खुश है? हाँ। आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं नहीं। आपका दोस्त का दबाव है क्या? नहीं करेंगे तो मारूंगा। कल एक सवाल है। हाँ जी सवाल पूछिए। अभी इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता कुछ से जी इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लग रहा है? देव देवता भाई ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह मदद आपकी करे, अल्लाह मतलब ईश्वर, ईश्वर ने परमेश्वर, ये ईश्वर जो ये हिंदी लफ्ज है ना इसमें मिलावट, ईश्वर मतलब ईश्वर के ऊपर होता है परमेश्वर, तो इसलिए परमेश्वर कह रहा हूं मैं। ये अल्लाह वर्ड एकदम साफ है, गॉड भी अंग्रेजी में मिलावट, गॉडेस, गॉड फादर, गॉड मदर मिलावट हो सकती है, खुदा ना खुदा, ईश्वर परमेश्वर, देव देवता देवी, ये सब मिलावट है, इससे डरो मत। सही लफ्ज है अल्लाह। अगर अल्लाह आपकी मदद करता है, कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए कह दो मोमिन से कि अल्लाह पे ईमान लाओ, अगर आप अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपका बाल भी नहीं बाका कर सकता है, कोई भी देव देवता छोड़ो कोई भी इंसान नहीं। तो इसीलिए मोमिन को परमेश्वर
सबसे ऊंचे जो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हमारा बनाने वाला है। हो सकता है कि शैतान आपको भड़का सकता है, ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपको मारेंगे, आपके पड़ोसी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ये जो देवता है आपको, ये आपको शैतान भड़का रहा है और ये शैतान का काम है। इसीलिए हम कहते हैं औज बिल्लाह है मैंने शैतान रजीम, हम पना चाहते हैं शैतान मर्दूत से, अल्लाह के पास हम पना लेते हैं शैतान मर्दूत से। सबसे ज्यादा आपको पना जो दे सकता है वो एक ही है, वो अल्लाह। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? आपको कोई भी दबाव नहीं, आपके दोस्त की तरफ से नहीं, कुछ कोई माली दबाव कोई नहीं, नहीं कुछ नहीं। दिल से उस आवाज के साथ हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते हैं। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह वा अशदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दुहु वरसुलुहु वरसुलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं, और बंदे हैं। माशाल्लाह मुस्लिम हो चुके और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी परेशानी को दूर करे, और मैं चाहता हूँ कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। कुरान जो जो जबान आपको अच्छी आती है, हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी आती है मराठी में पढ़िए। कौन सी जबान आप जानते हैं सबसे बेहतर? मराठी। मराठी इंशाल्लाह मैं दरख्वास्त करूंगा वॉलंटियर से कि मराठी का कुरान लिखा है, और मैं मेरी दरख्वास्त है कि आप मराठी में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, उसके ऊपर अमल करिए। कुरान मजीद पढ़ने से आपके अक्सर परेशानियां दूर रहेंगी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि कुरान एक शिफा है बहुत से परेशानी के लिए। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर सारे भाई बहनों से आज इसके लिए दुआ करवाइए प्लीज। क्या दुआ करूं? दुआ करवाइए परेशानी दूर। सब भाई बहनों से बोलिए आप। इंशाल्लाह भाई साहब चाहते हैं कि यहाँ का जो मजमा है वो भी दुआ करे कि हमारे लौटे हुए मुस्लिम के बारे में के दुआ करे अल्लाह से क्या उनकी परेशानी दूर करे। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि आप इस्लाम में दाखिल हुए, और दुआ करता हूं कि आप मुस्लिम जैसा मरे। मुस्लिम जैसा मरना और अहम है, मुस्लिम जैसा मरना और अहम है। और दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। ठीक है, जी माइक नंबर दो में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए। मेरा नाम विजय सोनी है, मैं मध्य प्रदेश MP से आया हूँ, एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है। कुरान बाइबिल हर जितने भी मजहब कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते, फिर भी इंसान भटकता है क्यों? आज लोगों को बीमारियां हो रही, ट्रेन से जा रहे हैं, गिरते हैं, मरते हैं, बीमारियां, अंधे लंगड़े लूले, क्यों? ऐसी क्या कमी है? अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला एक है, और वो कहते हैं कि बाइबल कुरान वेद ये सब मजहब की किताबें सही चीज सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैंने बाइबल पढ़ चुका हूं, वेद पढ़ चुका हूं, गीता पढ़ चुका हूं, और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूं। कुरान के अलावा जितनी दीगर मजाहब की किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज बीन करप्टेड, इट हैज बीन कंकॉक्टेड, इट हैज बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीजें हैं। खाली आप पहला चैप्टर, पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 में कि खुदा ने दो बॉडीज बनाए, दो लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है, सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है।
आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की? नहीं नहीं, इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूं। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टमेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टमेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह 15 में, सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में, कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे। क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है, अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के जरिए अगर आपको पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते, पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते, पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते हैं क्यों इंसान भटकते, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान को अल्लाह सुबहाना ताला ने फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाजत दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह के मखलूकात है, ऑल द क्रिएशन, यू हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान, इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह के सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते के भी ऊंचे हैं। जी जी, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाजत नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए, जो अल्लाह बोलता मानते हैं। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते हैं तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। जन्म जन्मांतरों से हमको कुरान है, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने पूछा हजारों लोग मर रहे, भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना, ये अल्लाह का, मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम घंटी बज गई। इंसान है भाई साहब। हाँ। आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी। आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोगों को वक्त नहीं मिलेगा। उसूल है क्या, एक सवाल पूछना, मैं आपको दो की इजाजत दिया, तीन की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर अल्लाह की इबादत करेंगे, कुरान के मुताबिक चलेंगे, तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं? भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी दो किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते हैं, ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ, और हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी कोई भाई हो तो सवाल आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार होने के दो किस्म के होते हैं, एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, इट्स नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं बीमार होना। बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाकी लोगों को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते हैं, सही समझते? गलत है ना वो। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है मैं भी नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन
मुझे ईमान रखना पड़ेगा जितने पैगंबर है वो सही है और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखना पड़ेगा, मैं भी नाम नहीं जानता हूं जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूं लेकिन अमल करता हूं आखिरी पैगंबर के सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूं आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल करना चाहिए। छोड़ो आप अमल करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो, अमल में ऊंच नीच भी चलेगा। कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुतपरस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कलमे को मैं कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूंगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था, अगर मैं इस्लाम कबूल करूँ मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूंगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। मालूम है, अबे मैं भी गलती करता हूँ। मैंने पहले कह चुका हूँ कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूँ इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं पक्का मुसलमान हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे? जी। गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुतपरस्ती। आप बुतपरस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुतपरस्ती से बच सकता मैं बचाऊं? आप बचना चाहेंगे बुतपरस्ती? कैसे आप बचे? बुतपरस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूं। बस आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा, आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आस्था बढ़ती है, जो करते हैं करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ, कोई जाना कोई गलत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कई सारे भाई, आखिरी पूछूंगा कि गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। जी, आप मस्जिद जाओ वो सही जगह है, मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह के पैगंबर पे अमल करना चाहिए, अल्लाह के पैगंबर पे मानना चाहिए। अगर आप तीन चीज पे मानते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मूर्ति पूजा गलत है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो आप इस्लाम के रिलीजन में दाखिल हो सकते हैं। अमल आस्ते आस्ते आएगा, अमल आस्ते आस्ते आएगा। जरूरी नहीं कि आप आज आपने इस्लाम कबूल किया तो 100% मुस्लिम होंगे। 100% होना कोई 100% होना मेरे बस में भी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए धीरे धीरे 50%, 60%, 70%, जितना हो सके उतना बेहतर है, लेकिन पहले दाखिला तो लेना चाहिए। अब स्कूल में पहले दाखिल तो लो। अरे उस खुदा पाक के हमारे दिल में, लोग कहते हैं रूह जो अजय अमर है वो कभी मर नहीं सकती, नापाक नहीं हो सकती, और वो चीज अपने अंदर है, खुदा अपने उसके एक अंश है, हम लोग जिसको कभी देखा नहीं है किसी ने। खुदा को देखने की जरूरत नहीं, खुदा के अहकाम पे अमल करने की जरूरत है। जी, जी। खुदा की ताकत देखो, खुदा का पावर देखो, वही काफी है। खुदा को खुद देखना जरूरी नहीं है। आप अगर एक खुदा में मानते, बुतपरस्ती नहीं करते, और पैगंबर में मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफी है शुरू होने के लिए। फिर उनके अहकाम पे कुरान पढ़िए, अमल कीजिए, बाद में आएगा। आप एडमिशन लेना चाहते? मैं खुदा को, अल्लाह पाक को मानता हूँ और मानता रहूंगा, पर ये मैं ये नहीं सोचता कि मतलब अभी आपके बोलने से, मैं मानता हूं कि आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, पर मेरा दिल एक्चुअली बोल रहा कि खुदा निराकार है, उसको दिल से पुकारो, वो है। और लोगों को यहां से इस कैंप पार्क जाने के बाद
लोग सोचेंगे कि गलत बोला अच्छा बोला लोग उसमें खूबियां निकालेंगे और जो सही है वो अल्लाह ताला की बात को समझेगा और यहां से कितने हजारों लोग हैं और लाइव टेलीकास्ट आज टीवी पे देख रहे हैं और उन सभी से गुजारिश करूंगा कि उस अल्लाह पाक निराकार ईश्वर पे अमल करे ना कि एक दूसरे की बुराई करे और आपसे भी मैं ये चाहता हूं दरख्वास्त चाहता हूं कि आप बहुत बड़े हैं एज में और मैं आपसे बहुत छोटा हूं और ज्ञान में भी आप मेरे से काफी बड़े हैं पर एक मैं मूर्ख बालक हूं और मैं यही जानता हूं कि खुदा अल्लाह पाक एक है लोगों को सिर्फ ईमान रखना चाहिए इंसानियत रखना चाहिए और उस खुदा अल्लाह पाक को राह में चलना चाहिए कोशिश करना चाहिए मैं साहब कहते खुदा है कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे जब आपका दिल से आप मान लेंगे क्या मजहब सही आप कर सकते अभी आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इस्लाम कबूल करें और पढ़िए कुरान मजीद के बारे में जब आप लोग को बोल रहे खुदा एक है आप कबूल कर रहे क्या रहे वो आप जाने और आपका खुदा जाने मैं दुआ करता हूं अल्लाह से आपको हिदायत दे मैं चाहूंगा कि कोई वॉलंटियर अगर इसको कुरान मजीद का तर्जुमा देख सके उसके ऊपर पढ़िए और कुछ अगर परेशानी पेश है कुरान मजीद के बारे में आप मुझे इंशाल्लाह डोंगनी में आके सवाल कर सकते हैं नहीं कुरान में कोई गलत नहीं लिखा हुआ है जी माइक नंबर तीन में कोई भाई सवाल हो सवाल करना चाहे नॉन मुस्लिम भाई तो कर सकते हैं सर आपका नाम मेरा नाम महेश कदम है और मैं चिटागांग डी सेक्टर से हूँ तो मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा तो मेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाई है तो थोड़े दिन के बाद मैं चिता कैंप में आया चिता कैंप में आने के बाद मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई मेरा 16 किलो वजन कम था जो बाद में लेवल में आ गया तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है स्पेशली मेरे औरत के लिए ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूं तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूं कि आपका मैं एक बार पहले लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये दांत होता है वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है और मेरे भाई ने मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम समझे आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है आप सब्जी भी खा सकते हो तो मेरे को ये बोलना है कि मेरी औरत ये चाहती है कि मैं उसे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही है हाल में क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है तो हाँ क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के अच्छा दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई जरूरी नहीं मैंने तो अभी तक कभी जबरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूंगा भी नहीं तो मेरा सवाल जरा ज्यादा तो नहीं हो रहा है समझ गया हूँ मैं भाई साहब समझ गया हूँ ज्यादा है लेकिन समझ गया हूँ मुझे आदत है लोग से सवाल सुनने की और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मजा आता है बिल्कुल भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना गोश्त लोग नहीं खाते थे गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए फिर चीता का मैच गोश्त खाने की वजह से नहीं सर एक्चुअली मैं दूसरी चीज की वजह से वीक हो गया था लेकिन मैं जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी वहाँ पे हमें मैं इंशाल्लाह जवाब को कंप्लीट करूंगा फिर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ भाई साहब बीमार होने की वजह से वो बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिलती थी जब चिता कैंप में आए तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए
और 13 किलो उसका वजन भी बढ़ गया उनका, और वो गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है, जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की जरूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते गोश्त खाते इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाल्लाह कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा, लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप, सवाल एक दो बाद में कतार के पीछे फिर आप वापिस आ सकते हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम को मिजाज है एक के बदले दो, दो के बदले तीन, अभी तीन के बदले चार तो बाकी लोग बोलेंगे ना इंसाफी है, वो ये मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे, वो हमारे आगे थे, आपके आगे था, देखो आपको मौका मिला उनको नहीं मिला, ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप इस्लाम से इंशाल्लाह प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना गोश्त खाना गलत नहीं, इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है, किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फर्ज है। बिल्कुल, कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ, आमतौर पर इंसान हजम कर सकता है, अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है, जो चीज हर इंसान के लिए गलत है नुकसानदार है वो हराम है, मिसाल के तौर पर शराब, शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी इंसान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। और मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूं तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा, तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या, उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बनेंगे तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा, अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त खाने के वजह गोश्त नहीं खाने के वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद, आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है कि सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए, बिल्कुल ऐसे ही करूं। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सिजदे से देती है आदमी को निजात, हजारों सिजदे से देता है आदमी को निजात। मतलब जिसे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, हाँ। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता हूं। आप मानते कि खुदा एक है? बिल्कुल एक। आप मानते कि बुतपरस्ती गलत है? बिल्कुल गलत। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते? दिल से। अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशदु अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु
ارفل میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے پریشانی دور کرے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو بھی ہدایت دے ہاں سر میں کیا بول رہا ہوں کہ میرے لڑکے کا نام سچن ہے سچن قدم ہے جی ہاں میں میرا نام ساجد رکھ رہا ہوں جی ہاں لیکن سر میں میرا قدم ہی رکھوں گا کیونکہ میرے پتا جی بہت گریٹ انسان تھے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے وہ اور میرے کو انہوں نے ویسے ہی جینے کے لیے سکھایا وہ بولتے تھے کہ زندگی میں ہمیشہ اسٹائل سے جینا چاہیے اور زندگی کا سچا اسٹائل دوسروں کے لیے جینا چاہیے تو میں نے جب ہینڈی کیپ میرے عورت سے شادی کیا تو اس کے بعد میں بہت تکلیف کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں میرے زندگی میں واپس تکلیف نہیں آئے میں مسلمان بن رہا ہوں تو اس کے لیے سب میرے مسلمان بھائی میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ بھائی صاحب کی درخواست ہے کہ ہم دعا کریں ان کی زندگی میں تکلیف نہ آئے میں دعا کروں آپ نے کہا کہ آپ کا نام ساجد رکھنا چاہتے ہیں الحمدللہ اچھا نام ہے قدم آپ کا سرنیم قدم عام طور پہ اسلام میں سرنیم بدلنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سرنیم سے پتا چلتا ہے آپ کے خاندان کے بارے میں تو آپ کو سرنیم وہی رکھنا ضروری ہے آپ بدلنا چاہے تو بھی مت بدلیے آپ اپنا نام بدل سکتے ہیں لیکن سرنیم مت بدلیے میرا جو لڑکا ہے بھائی صاحب باقی لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں جی آپ چاہتے ہیں آپ کے مشکل دور ہو تو دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں لوگ سے آپ سوال پہ سوال کریں گے دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیں گے نا برابر کہ نہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان بنائے لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ تکلیف نہ آئے یہ کہوں گا کہ جو آپ کے آخرت کے حق میں ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی تکلیف کبھی بھی نہیں دے گا جو آپ وہ تکلیف اٹھا نہ سکے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ وہ اٹھا نہ سکے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں یا رب ہمیں اتنی تکلیف نہ دے جو ہم برداشت نہ کر سکے کیونکہ ہم اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی انسان کو اتنی مشکلات نہیں دیتا اتنی تکلیف نہیں دیتا جو وہ اٹھا نہ سکتا لیکن انسان خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال دیتے کہ انہیں مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جو وہ نہ اٹھا سکے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اگر تکلیف آپ کی زندگی میں ہے آپ انشاءاللہ اس تکلیف میں سفلتا پائیں گے اور آخرت میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا خوب دھیان سے دو کوشچن مائک نمبر 4 میں پہنچنے سے پہلے میں بھائی سے گزارش کروں گا جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ وہ مراٹھی میں قرآن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے لے لیں مائک نمبر 4 میں کوئی نان مسلم خاتون ہوں تو سوال کریں السلام علیکم زاکر بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کون سے گرم گرست میں محمد کا ذکر کیا ہوا ہے وعلیکم السلام بہن جی کا سوال ہے کہ ان کے کون سے مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں وہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے ابھی وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف چند حوالے دوں گا میں اور ایک پیشن گوئی کے بارے میں ڈیٹیل میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کئی کتابوں میں ہے اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 سے 8 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3
श्लोका नंबर 10 से लेकर 27 उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना खंड 3 पर्व 1 अध्याय 3 श्लोका नंबर 21 से लेकर 33 में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता अथर्वावेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 13 इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्वावेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्वावेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से भी अहमद जैसे, अहमद जो आदमी अल्लाह की प्रशंसा करता है, अल्लाह से दुआ करता है, संस्कृत में उसे कहेंगे करू, और जो प्रशंसा करता है उसे अरबी में कहते हैं अहमद। अहमद नाम से जिक्र है हिंदू कई मजहबी किताबों में। अगर आप पढ़ेंगे सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500 उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे। सामवेद किताब सामवेद इंदिरा अध्याय नंबर 2 वर्ष नंबर 152 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्वा वेद ऋग्वेद में जिक्र है किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 10 में। अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 15। अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है मोहम्मद के नाम से। नरशंसा, नर मतलब आदमी, शंसा मतलब तारीफ के लायक, नरशंसा मतलब तारीफ के लायक आदमी, अरबी में उसका तर्जुमा करेंगे होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई बार हिंदू मजहबी किताबों में है। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 82, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 27। मैं सिर्फ हवाले सैकड़ों दे सकता हूं आपकी हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के बारे में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक के बारे में मैं जिक्र कहूंगा हवाले के अलावा। आपकी मजहबी किताबों में जिक्र आता है कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार लिखा है कल्कि पुराना में अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में जिक्र आता है कल्कि अवतार के बारे में। इसमें लिखा है कि कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु मतलब अल्लाह ईश्वर, यास मतलब बंदा, सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला हो जाता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला, उसकी वालदा का नाम है सुमति। सुमति मतलब शांति, अरबी में होता है आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। ये पैदा होंगे एक अमन के शहर में, हम इसे कहते हैं मक्का। ये ऐसे खानदान में पैदा होंगे जो उस शहर के ठेकेदार थे, जो उस शहर के, हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। लिखा है कि वो दुनिया के लिए ही विल बी अ टीचर, एक मुदर्रिस रहेंगे सारे दुनिया के लिए और रहमत फैलाएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत वाले हैं। इसमें लिखा है कि उन्हें सबसे पहली वही आएंगी रात के वक्त एक केव में, एक गार में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जो आए वो गारे हिरा में। उसके बाद वो हिजरत करेंगे नॉर्थ की तरफ, फिर वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना
جو مکہ کے نوچ پہ اور واپس آ گئے. اس میں لکھا ہے کہ اس کے چار قریب دوست ہوں گے. ہم جانتے چار خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دوستوں میں سے تھے، یہ چار خلفاء راشدین تھے. اس طریقے سے صاف طور پہ قل کے اوتار کی پیشن گوئی ہے، اور یہ پیشن گوئی صرف محمد اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی ہے ہو بہو. تو ہر ہندو اگر اپنی مذہبی کتاب پڑھے گا، اسے ماننا ہوگا کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ جی. آپ کو کوئی بھی جبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ جی. خوش و حواس میں؟ جی. کوئی بھی دباؤ نہیں؟ جی نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، جی آپ اسے دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاء اللہ آپ مسلم بن چکی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی جو مشکلات کا حل کرے، اور اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے، اور اللہ انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. مجھے ایک آپ سے ایک نام چاہیے. بہن چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک نام دوں. آپ اپنے آپ کو ختیجہ کہہ سکتی ہے، ختیجہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیویا کا نام تھا، اہلیہ کا نام تھا. جی شکریہ. رضی اللہ عنہ. جی مائک نمبر پانچ میں کوئی نان مسلم بہن ہوں تو سوال کریں. السلام علیکم برادر ذاکر نائک، آئی ایم فرام کیرلا، سو دس انگلش از مور کمفرٹیبل فار می. سو مائی کوشچن ہیئر از، آئی ہیو ان فیکٹ آئی ایم اے ریورٹ سسٹر اینڈ جسٹ ون اینڈ ہاف ٹو ٹو منتھس اولڈ، اینڈ آئی ٹرائی مائی فیملی ٹو میک دم انڈرسٹینڈ واٹ اسلام از اینڈ آل دیٹ. سو ٹوڈے my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple, so I will come here to in peace conference. So as my dad is a very good person, he has kept his promise, he has come to peace conference. So my question is, what I did it was for the cause, for a good cause, but I had to go to temple and I was always telling house bilani min shaitani rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, I mean, advise my, not advise my, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere here and he's listening. بہن کا سوال ہے کہ وہ کیرلا سے ہے اور انگریز میں اور مہارت رکھتی ہے. میں بمبئی سے اور میں بھی انگریزی میں مہارت رکھتا ہوں، لیکن مجبوری ہے کیونکہ یہ سوال جواب کا سیشن اردو یا ہندی میں ہے، تو میں جدوجہد کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پیغام پہنچاؤں اس زبان میں. بہن کا سوال ہے کہ چند مہینے پہلے، دو یا تین مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے والد جو ایک اچھے انسان ہیں، جب والد کو اس نے کہا کہ آپ پیس کانفرنس میں آؤ، تو والد نے شرط لگائی کہ آپ اگر ٹیمپل میں آئیں گے، مندر میں آئیں گے، تو میں پیس کانفرنس میں آؤں گا. تو اس کے والد تو پیس کانفرنس میں آ گئے، تو کیا اس نے جو شرط لگایا وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ آپ نے اگر اپنے والد کو کہا کہ ٹیمپل میں آپ جائیں گی، ٹیمپل میں جانا غلط نہیں ہے، ٹیمپل میں بت پرستی کرنا، مورتی پوجا کرنا غلط ہے. میں بھی کئی ٹیمپل میں جا چکا ہوں، کئی ٹیمپل میں دیکھنے کے لیے ٹیمپل میں کیا ہے. تو اگر آپ ٹیمپل جاتی ہے اور مورتی پوجا نہیں کرتی ہے، اور دل میں مانتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بت پرستی غلط ہے، تو ٹیمپل میں جانا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ٹیمپل کے سامنے اگر آپ سجدہ کریں گے مورتی کو تو غلط ہے. تو اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے والد سے کہ ٹیمپل جائیں گے، بے شک جائیں گے اس کے ساتھ، لیکن بت پرستی مت کیجیے. ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ، یو کین گو ٹو دا ٹیمپل بٹ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ. ڈوئنگ آئیڈل ورشپ از رانگ.
If you believe in your heart that there's one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. So, jab tak aap budh parasti murti puja nahi karti, aap temple ja sakti hai. Aur aapne kaha ke aapke walid se kuch baat kahun taake inshallah hidayat mile. Main kehna chahta hu is behan ke walid se ke aap digar mazahib ka mutala kijiye, chahe bible ka, chahe ved ka, chahe bhagavad gita ka, chahe quran ka, aur aapko pata lagega ke sare mazhabi kitab kehte hai ke khuda ek hai aur us khuda ke ilawa koi mabood nahi. Main aapse puchna chahta hu ke agar aap padhenge aapke ved jo maine keh chuka hu usme bhi saaf taur se zikr aata hai ke khuda ek hai aur but parasti galat hai. Jaise maine kaha kasita sita upanishad mein adhyay number 4 shloka number 19 yajurved adhyay number 32 shloka number 3 mein likha hai na tasya pratima asti, us ishwar us bhagwan ki koi pratima nahi, koi aksh nahi, koi picture nahi, koi painting nahi, koi photograph nahi, koi but nahi, koi murti nahi. To murti puja karna hindu mazhabi kitab ke hisab se bhi galat hai. Ye kuch hindu dharm ke thekedar kehte hai jo mazhabi kitab mein nahi likha hai. To meri iltija hai aapse, meri darkhast hai aapse ki aap apne kitab ka mutala kijiye aur jo gyan rakhte hai aapke kitab ke bare mein unse poochiye. Usme likha hai ki murti puja galat hai aur jo main hawale diya hai aap unse poochiye iski kya maani hai. Ek musalman keh raha tha patla sa topi pehne hue daadi rakhe hue ki murti puja galat hai. Likha hai sweta sitar upanishad adhyay number 4 shloka number 19 mein. Ye kya sahi keh raha hai? Aap library mein jao aur uska tarjuma padho, aapko pata chalega kya likha hai. Aur main Allah se dua karta hu ke Allah aapko hidayat de taaki aap bhi apni beti jaise sahi raste pe aa sake. Thank you. Mic number 1. Sir, mera naam Ravindra Shankar Balaiya hai. Main Hindu dharm se nahi hu lekin main Sanatan dharm se belong karta hu. Sir, aap se ek question puchne se pehle kehna chahunga ki mere questions ek nahi hai, mere question 3-4 hai. If you don't mind, so can we carry on? Bhai sahab ka sawal hai, 3-4 question hai, kya puch sakta hu? Bhai sahab ek puchha, abhi khali hamare paas 15 minute hai. Aam taur pe main 3 ya 4 minute leta hu. 4 ya 3 ya 4 sawal ka 3 tak ho to aapse hi khatam ho jayega pura. Sare log line mein khade hai, kisko heart attack ho sakta hai, kisko brain hemorrhage ho sakta hai. Aapka sabse aham sawal puchiye, sabse aham sawal. Yes सर, जैसे कि आप कहते हैं कि हमारे सबसे जो हमारे भगवान होगा सब उसमें सबसे टॉप पे अल्लाह को आपने दर्जा दिया हुआ है, तो मैं सर कहना चाहूंगा कि आपके इसमें माता पिता का दर्जा भी मैंने पढ़ा है, तो माता पिता का दर्जा भी आपने कहा है कि एक अच्छा दर्जा है. जैसे अल्लाह ने कहा है कि माँ एक ऐसी चीज है जो मेरे बाद जिनका जिक्र होना चाहिए तो माँ का जिक्र होना चाहिए. तो मेरा सवाल यही है सर कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे का जो पहला लफ्ज होता है वो माँ क्यों होता है, वो अल्लाह क्यों नहीं होता? मजहब का अच्छा सवाल है. वो कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सनातन धर्म से हूं. अक्सर लोग कहते ये सनातन धर्म एक शाखा है हिंदुइज्म की. आप कहते हैं आम हिंदू ने मैं मानता हूं क्योंकि सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूं. सनातन धर्म वाले मानते खुदाई के, मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है. आप भी मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैंने पढ़ा है, मैं जैसे मेरे नहीं, आप कहते आप सनातन धर्म से. हाँ सर, आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैं तो कहता ही हूं. तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि खुदा एक है और मूर्ति पूजा गलत है. आपका सवाल था कि मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, बिल्कुल सही. उसके बाद आता है वालदेन. लेकिन बच्चा जब पैदा होता है वो सबसे पहला लफ्ज कहता है मां. क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? क्यों मैं बोलूं? क्योंकि अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं. मैंने कह चुका हूं हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में, ईसाई खानदान में, यहूदी खानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा. मतलब अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है. वो अल्लाह जानता है. अल्लाह को लफ्ज की जरूरत नहीं, आप और मुझे जरूरत है, अल्लाह जानता है. तो अल्लाह को बताने की जरूरत ही नहीं. जब पैदा होता है दिल धड़कता है तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है. So how can you say that?
मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हो दिल धड़कता है तो ऐसा तो दिल तो आप मेरा जवाब सुनेंगे क्या बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे आपने सवाल पूछा मैंने इंटरजेक्ट किया आपने सवाल किया मैंने इंटरजेक्ट किया नहीं सर तो मेरे जवाब को तो खत्म होने दो अब सवाल ही जवाब ही नहीं खत्म हो आप कैसा जानते जवाब खत्म हुआ कि नहीं नहीं सर नहीं हुआ तो सर सर कह रहे जरा बात तो मानो खत्म तो दो आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा दूसरे पे जमाने पड़ेगा मुझे ठीक है आप बोलिए हाँ आप जरा सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना आपका माइक खुला होने का मतलब ना आप इंटरजेक्ट करें तो बच्चा जब पैदा होता है मुझे कैसा पता है क्योंकि किताब में लिखा है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा इसलिए मुझे पता चला है आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी मैंने पढ़ा हूं और दिल धड़कता मैं डॉक्टर हूं आपने डॉक्टरी की नहीं की मैं डॉक्टरी क्या मैं जानता हूं बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है सांस नहीं लेता अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ तो सबसे पहले अल्लाह फिर माँ तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है जब बच्चा पैदा होता है वो सांस लेता है दिल धड़कता है वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है बोलने की जरूरत नहीं जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे जानवर नहीं समझेंगे उनकी जबान अलग होती है हमारी जबान अलग है तो बच्चा माँ जब कहता है मम्मी कहता है अक्सर मां से आता है अक्सर मां से आता है तो ये लफ्ज है आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारे जबानों में चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी हो चाहे मराठी हो मां बोलना आसान है इसीलिए ये लफ्ज से मां से आता है मां मम्मी मदर अक्सर तो ये आसान लफ्ज है इसीलिए वो मां जब लफ्ज सुनती है खुश होती है अल्लाह उसके पहले ही जानता है तो अल्लाह सबसे अव्वल है को दिल धड़कता है सांस लेते अल्लाह को मालूम पड़ जाता है आपको नहीं पता चलता है मुझे नहीं पता चलता मुझे तो पता लग गया आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किए आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है मैं बीमार बुखार है मुझे तो मैं क्लोरोसिन लो मेटासिन लो पैरासिटामोल लो आपको कैसा पता चला क्योंकि मैंने मेडिसिन किया आपने किए नहीं किए इसलिए पता है मुझे तो मैंने किताबें पढ़ा हूं मजहबी किताबें पढ़ा इसलिए मुझे पता आपने पढ़िए आप भी पढ़िए मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैंने आपका सवाल का जवाब दिया मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे आप सनातन धर्म से आप मानते खुदा है के हाँ आप मानते कि खुदा मूर्ति पूजा गलत है हाँ आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सर लिखा गया है तो मैं मानता हूं मैंने इतने हवाले दिया वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है मेरी पूरी तकरीर एक घंटे की मैंने एक घंटा तो लिया नहीं दस मिनट के अंदर इतने हवाले दिया सैकड़ों में से कम अज कम 25-30 हवाले तो दिया होगा 25-30 कम अज कम सैकड़ों में से मैं पूछना चाहता हूं आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है सर आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूंगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है हमारे धर्म में लिखा गया तो मैं मानता हूं उसे बिल्कुल सर तो वही तो कह रहा हूं मैंने पहले कह चुका हूं आप हर धार्मिक किताब के तालविला कलीमतिन सवा इम बैन बैनकुम कुरान में लिखे सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा उसके ऊपर तो अमल करो जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे आपकी हिंदू मजहब की किताब में आपके वेद में लिखेला है कुरान में लिखेला खुदा एक है आपकी किताब में लिखेला बुत परस्ती हराम है मेरी किताब में लिखेला है आपकी किताब में लिखेला आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी किताब में लिखेला है आपकी किताब में लिखेला शराब हराम है मेरी किताब में लिखेला है आपकी किताब में लिखेला सुअर का गोश्त खाना हराम है मेरी किताब में लिखेला है हम इस पर अमल क्यों नहीं करते और अगर आप मानते खुदाई के बुत परस्ती गलत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है आपकी किताब में लिखेला उसके पैगाम पे अमल करो आप करते कल की अवतार आखिरी अवतार वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला माता का नाम था सुमति आमिना पैदा हुए महफूज जगह पे अमन की जगह पे मक्का वही मिली गारे हीरा में गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड वापस आ गए मक्का से मदीना गए फिर मक्का आ गए उनके चार दोस्त इतने सब गहराई में दिया है लिखा है कि आप मानो के आखिरी पैगंबर है उसके पैगाम पे अमल करो आप अमल करना चाहेंगे हाँ, आप अपनी किताब के पैगाम पे अमल नहीं कर सकते तो और रिसर्च कीजिए
میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. آپ کی کتاب میں لکھے آخری اوتار کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے. کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس میں پڑھیے, انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہدایت بن سکیں گی اور آپ نجات پائیں گی. ہوپ دین سو کوشچن. سر کیا میں آپ کے پاس آ کے لے سکتا ہوں؟ آ جائیے بھائی, مائک نمبر دو میں دو پہ کوئی بھائی ہوں نان مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں. جی مائک نمبر دو پہ کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں. السلام علیکم, ہم ویسٹ بنگال سے آئے ہوں. میں تو مسلم بننا چاہتا ہوں پھر بھی میرا گھر پہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے, تو اس کے لیے مطلب سمجھانے کی بجھانے کی کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہے اور ایسا کوئی کتاب ہے تو آپ بنگلہ میں آپ دے سکتے ہیں. بھائی صاحب نے فرمایا کہ مسلم بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں میں سے کچھ کتاب دوں بنگلہ میں جس سے سمجھا جا سکے ان کے خاندان والے کو, برابر؟ Yes. سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید. آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے بنگلہ میں جی, اور انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کے خاندان والوں کو ہدایت ملیں گی. اور ایک چیز کہنا, آپ پیس ٹی وی بنگلہ میں دیکھیے. چھ سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا پیس ٹی وی انگریزی, چار سال پہلے پیس ٹی وی اردو, ابھی آٹھ نو مہینے پہلے شروع کیا پیس ٹی وی بنگلہ. آپ کیونکہ ویسٹ بنگال سے آپ جی. پیس ٹی وی بنگلہ آپ کے کیبل آپریٹر کو بورڈ لگانے کے لیے پیس ٹی وی بنگلہ دیکھو, انشاءاللہ یہ آپ کے خاندان والوں کے لیے ہدایت کا راہ بن سکتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی, آپ مانتے کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے yes. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں, آپ اپنے من سے کرنا چاہتے؟ ایک دم. اپنے دل سے اپنے ذہن کے ساتھ؟ ایک دم. کوئی بھی زبردستی کچھ نہیں, کوئی بھی دباؤ نہیں, نہیں. ماشاءاللہ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ صرف پانچ منٹ باقی ہے, اگر کوئی بھی بھائی اور بہن جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مائکروفون پہ آگے آ سکے, کیونکہ سوال جواب کا وقت بہت کم ہے, پانچ منٹ باقی ہے. جو بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے اور مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ مائکروفون پہ آ سکتا ہے اور ایک ساتھ میں ہم شہادہ دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مائک نمبر دو پہ یہ بھائی صاحب کے علاوہ اور کوئی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ مائک نمبر دو پہ اور کوئی بھائی صاحب ہے؟ مائک نمبر تین پہ؟ مائک نمبر, ماشاء اللہ, نام کیا ان کا؟ میرا نام بھرت ہے. بھرت ہے, ماشاء اللہ. اور دوسرے کا؟ کائلاش. کائلاش, آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ دونوں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. آپ من سے کرنا چاہتے؟ ہاں. ہوش و حواس میں؟ بالکل. ماشاءاللہ, میں آپ کے پاس آؤں گا. مائک نمبر چار پہ خواتین کے شعبوں سے, خواتین کے شعبے میں سے کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ سوال جواب کا سیشن ابھی سماپت ہو رہا ہے, کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ وعلیکم السلام. بہن ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ایکچولی میں نے 10 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا, لیکن میں 10 سال سے ایسے ہی چھپ کے چل کے آ رہی ہوں. آپ نے قبول کیا لیکن بھڑک بہک گئی, آپ پھر سے اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے؟ بہک نہیں گئی, میرے پیرنٹس کو میں دعویٰ کر رہی تھی, میرے پیرنٹس مجھے چھپا چھپا کے اسلام چھپانے کے لیے کہہ رہے, لیکن میں آج پورے پبلک کے سامنے. ماشاءاللہ, 10 سال سے آپ اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں چھپ کے آپ پبلک کے سامنے کہنا چاہتی ہے کوئی حرج نہیں. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. کوئی بھی آپ کو زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ کچھ بھی نہیں. مالی دباؤ, معاشی دباؤ؟ آپ کھلے دل سے کرنا چاہتی قبول؟ کچھ بھی نہیں. اپنے من کے ساتھ؟ ہاں. آپ کر سکتی بہن انشاءاللہ. اس کے مائک نمبر پانچ پہ
कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है माइक नंबर 4 या 5 पे कबूल करना चाहती है एक सवाल पूछना चाहती है सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सवाल बाद में पूछ सकती है दो मिनट में हमें खत्म करना पड़ेगा आप इस्लाम कबूल करना चाहती है नहीं आप भी नहीं मेरे को एक सवाल पहला पूछने का तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन वक्त देंगे कल पूछ सकते हैं और कल अगर सवाल का जवाब मिला आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे नहीं माइक नंबर 1 पे माइक नंबर 1 पे तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है माइक नंबर 3 पे दो भाई है और माइक नंबर 5 पे एक बहन है चार इंसान कबूल करना चाहती है जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है आप खुश होंगी सवाल इंशाल्लाह कबूल कर मैं इंशाल्लाह शादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अल्लाह मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देती हूं मैं शहादत देता हूं मैं शहादत के अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे माशाल्लाह मुसलमान बन चुके मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपके मुश्किलात को मुश्किलात हल हो जाए और दुआ करता हूं कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में सफलता मिले मैं दुआ करता हूं कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएं व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खवातीन हजरत एक अहम और जरूरी ऐलान सुनते हुए जाएं कल इंशाल्लाह हमारी 10 रोजा कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है और इमाम हरम इमाम खाने काबा शेख सऊद शुरेम की दुआ पर हमारी ये नशिस्त कल खत्म होगी और कल डॉक्टर जाकिर नायक साहब की तकरीर है 6:15 बजे ठीक शाम को जिसका उन्वान है इस्लाम के मुतालिक गैर मुस्लिमों के शुभात आप खुद भी आइए अपने दोस्तों को गैर मुस्लिम भाइयों और हमारी बहनें गैर मुस्लिम बहनों को भी साथ में लेके आइए इसी के साथ साथ आज के इस इजलास के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू